नमस्कार, आप देख रहे हैं वो सो पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। अमृत योजना पार्ट टू के तहत सुधरेंगे शहर के हालात, सीवर और पेयजल लाइन बिछाने का शुरू किया जाएगा काम, मार्च तक तैयार होगी डीपीआर। लिफ्ट देने के नाम पर युवक ने नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म, मालखा थाना पुलिस ने किया मामला दर्ज, जल्द आरोपित को किया जाएगा गिरफ्तार। जिट्टी रोड पर बाबरपुर के पास सागर ढाबे के सामने खड़े कैंटर से टकरा गई बाइक, हादसे में बाइक चालक की हुई मौत। सैयद 3 पुलिस की टीम ने बाइक चोरी सहित खेतों व घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को काबू करने में हासिल की बड़ी कामयाबी। पकड़े गए आरोपियों से चोरी की 5 वारदातों का हुआ खुलासा। गांव गांजबड़ में किराए के कमरे पर युवक की हत्या के मामले में नामजद आरोपी को बीती देर शाम सीआईए 1 पुलिस की टीम ने किया गिरफ्तार। डीसी एवं जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष सुशील सारवान के मार्गदर्शन में चल रहे जूनियर रेडक्रॉस कैंप का स्थानीय मॉडल संस्कृति स्कूल में सफलतापूर्वक हुआ समापन। डीसी सुशील सारवान ने जानकारी देते हुए बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस बार अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा महान संतों से जुड़े धार्मिक स्थलों का भ्रमण करने के लिए 28 फरवरी तक मांगे गए हैं आवेदन। मेयर अवनीत कौर ने लोगों की शिकायत मिलने पर वार्ड 10 के स्वास्तिक रोड का किया औचक निरीक्षण। किशनपुरा चौकी पर भारी और होमगार्ड पर चाकू और डंडों से जानलेवा हमला करने के दोषी को सुनाई गई 7 साल की सजा, साथ ही लगाया गया जुर्माना भी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़ रहे वो सो पानीपत के साथ। नमस्कार। Life will be shining, you'll have a better future, and you'll be smiling. By Sanskriti School, a better place, a better world. By Sanskriti School, sapno se behtar kal. By Sanskriti School, add colors to your learning. By Sanskriti School, your life will be shining.